नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बड़े रोचक विषय पे। विषय रोचक इसलिए है कि जो हम लोग की युवा पीढ़ी बहुत ही अपने को डिसीजन लेने में बहुत मजबूत समझती है, वो वास्तव में उतनी मजबूत नहीं होती और थोड़ी वो भ्रमित होती है। मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं यह बात एक अधिक संख्या के लिए कह रहा हूं। लोग कंफ्यूज रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो यह जो कंफ्यूजन है, जिसमें आप परेशान रहते हैं और अपना कीमती समय, आपको लेनी है 2 रुपए की चीज, लेकिन आप उसके लिए अपना 200 मिनट खराब कर देते हैं। तो यह जो कंफ्यूजन होता है, जो मन का अंतर्द्वंद होता है, इसमें उलझ के आप अपने वक्त का नुकसान करते हैं। हम आपको बताएंगे इस कंफ्यूजन को दूर करने की। ये जो दिमाग में आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होता है, इसको ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। जी हाँ, होम्योपैथी में इसको ठीक करने की दवाएं हैं। आपका माइंड जो कंफ्यूज होता है, वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्टेट, आपके डिलीरियम, आपके कंसंट्रेशन, इन चीज़ों से जुड़ा होता है, इसलिए होम्योपैथी में कन्फ्यूजन की दवा है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कन्फ्यूजन होता क्या है। कन्फ्यूजन वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता है। एक डिसओरिएंटेशन की स्टेट होती है जिसमें कि आप उलझन में रहते हैं और सही तत्व तक, सही बात तक नहीं पहुंच पाते हैं और ज़्यादातर तरीके में आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। साथियों, कन्फ्यूजन के तमाम कारण होते हैं, जिसमें फीवर एक कारण हो सकता है, आपके बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एक कारण हो सकता है, आपके वीकनेस एक कारण हो सकता है, आपका ऑक्सीजन इम्बैलेंस बॉडी में अगर है तो वह एक कारण हो सकता है, कोई ब्रेन को ट्रॉमा पहुंचा हो उसके बाद आप कंफ्यूज रहते हो वह कारण हो सकता है, आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आप में हो वह एक कारण हो सकता है। तो तमाम कारण हो सकते हैं जो आपके मन में उलझन पैदा करते हैं, आपके मन में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी है। होम्योपैथी में कन्फ्यूजन को दूर करने की बहुत कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं। हम आपको बताएंगे कन्फ्यूजन यानी उलझन को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें, यह कार्यक्रम आपकी जानकारी के लिए है, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपका उस समय बचाने की, यानी आपके मन की उलझन दूर करने की और आपकी ऊर्जा जो नष्ट हो रही है उसको बचाने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो कंफ्यूजन को दूर करने की है, वह है सल्फर। सल्फर उस स्थिति की साथियों कंफ्यूजन की बहुत अच्छी दवा है जबकि व्यक्ति को कंफ्यूजन रहता है और वह जब सुबह उठता है तो उसका माइंड बहुत कंफ्यूज रहता है। यानी जब सुबह के वक्त आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होती है, उसका बहुत बड़ा कारण को दूर करने की बहुत अच्छी दवा सल्फर है। सल्फर का मरीज आमतौर पर नहाना नहीं पसंद करता है, खाने में उसे मीठा बहुत पसंद होता है, वो थोड़ा सुस्त होता है और उसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होता, यानी उसका मन हर समय उलझन में रहता है, हर समय परेशानी कन्फ्यूजन में रहता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपके मन में उलझन है, तो सल्फर आपकी एक दवा हो सकती है जो आपका कीमती वक्त बचाएगी और जो 2 मिनट का काम के लिए आपको 200 मिनट लग जाते हैं, उस आपके कीमती 200 मिनट को बचा के किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगा के आपके जीवन को बेहतरी के लिए काम करेगी। एक स्थिति साथियों आती है छात्रों में, स्टूडेंट्स में, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जर्शन लिया है और अब उसके बाद उनका मन में उलझन और कन्फ्यूजन हो गया है, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, कौन सा फॉर्म भरें, कहाँ पे दस्तक दें, कहाँ पे जाएं, किस शहर पे ज्वाइन करें, किस शहर में कोचिंग करें। अगर इस तरह का मन में कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सेलिसिया। आप सेलिसिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। वो सारे छात्र जिनके मन में कन्फ्यूजन हो गया और जिनको समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाएं, तो वह सेलिसिया लेके अपने मन के उलझन और कन्फ्यूजन को दूर करके स्वास्थ्य लाभ और अपने कैरियर का लाभ दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आ सकती है आपके कन्फ्यूज माइंड में कि आप सुबह के वक्त उठे और आप बहुत दुखी हों, आप आसपास लोगों को ना पहचान पा रहे हो, इतना कन्फ्यूजन आप में हो गया हो।
अगर यह स्थिति है साथियों, तो आपके कंफ्यूजन यानी मन के उलझन को खत्म करने की सबसे अच्छी दवा एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम है। आप एस्कुलस 32 मून दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आप सुबह के वक्त उठते हैं और आपको कंफ्यूजन रहता है और आपको दुख रहता है, आप चारों तरफ लोगों को देखते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर उनको आपको याद ही नहीं आता है और आप दुखी हो जाते हैं, तो अगर यह सैडनेस आप में है, दुख आप में है, तो आपके मन की उलझन को दूर करने की सबसे कारगर दवा एस्कुलस है। इसको आप 30 पावर में लेकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज में आ सकती है कि वो डिसीजन ना ले पाता, वो इतना कंफ्यूज हो कि वो जो डिसीजन लेता है फिर उसके बारे में सोचता है साहब ये कहीं गलत ना हो, और उसको लगता है वो गलत है, तो एक डिसीजन लेके उसको कई बार करेक्ट करना और ये एहसास करना जो डिसीजन लिया है वो गलत ही है, यह भी एक तरह की मन की उलझन होती है, कंफ्यूजन होता है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एल्यूमिना। आप एल्यूमिना 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आप अपने डिसीजन को स्विच ओवर करते रहते हैं और आपको हमेशा ये लगता है आपने जो डिसीजन लिया वो गलत है, उसको आप 4 बार करेक्ट कराते हैं लेकिन 5वीं बार भी कंफ्यूज रहते हैं, वो स्थिति से आपके मानसिक निकालने की बहुत अच्छी दवा एल्यूमिना है। एल्यूमिना के मरीज को सर्दी बहुत लगती है, उसको स्किन डिजीजेस भी होते हैं और कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, कई दिन तक उसको मोशन नहीं होता, फिर एक साथ उसका पेट साफ हो जाता है, तो लार्ज एक्युमुलेशन ऑफ फीसिस इन द इंटेस्टाइन होती है, यह भी एल्यूमिना का एक सिम्टम है। बहरहाल यहाँ बात हो रही कन्फ्यूजन की, तो एल्यूमिना कन्फ्यूजन की बहुत अच्छी दवा है। उस स्थिति में जब आप अपने डिसीजन को विचार पे विचार पे विचार पे विचार करते रहते हैं लेकिन कभी ये नहीं समझते कि आपने डिसीजन सही लिया है, तो एल्यूमिना आपके दिमाग के इस कन्फ्यूजन उलझन को दूर करेगी और आपका जो डिसीजन लिया है वही आप सही मानेंगे। एक स्थिति साथियों किसी की आ सकती है कि उसके मन में कन्फ्यूजन हो और उसको नर्वस डिसऑर्डर्स हो गए हों, तो अगर आपको नर्वस डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आपके ब्रेन में फैग हो रहा है, ब्रेन में दिक्कत हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत दवा, यानी आपकी मन की उलझन को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा जिंकम मिटालिकम है। आप जिंकम मेट 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके मन की उलझन दूर हो जाएगी। अगर आपको नर्वस डिसऑर्डर्स रहे हैं यानी दिमागी बीमारियां रही हैं और आपकी नर्व्स में आपको वीकनेस महसूस होती है, तो जिंकम मेट आपके नर्व्स का भी एक टॉनिक के रूप में काम करेगा पोषण के, और आपके मन की उलझन यानी कन्फ्यूजन को भी दूर करके आपको ठीक करेगा। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि आपने बहुत ज़्यादा विस्की पी ली, अल्कोहल का इंटेक कर लिया, उसके बाद आपके मन का कन्फ्यूजन हो गया। अगर यह स्थिति साथियों, तो इसकी भी होम्योपैथी में दवा है कि जब आप बहुत ज़्यादा जो ड्रंकर्स होते हैं, दारू पी ली, अल्कोहल इंटेक कर लिया और उसके बाद फिर उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एलियम सीपा। एलियम सीपा 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके मन की उलझन को दूर करेगी। वैसे तो दारू पीना ही गलत है, मैं तो निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ये लोग बुरी आदत छोड़ दें, यह आपके पैसा भी बर्बाद करेगी, घर भी बर्बाद करेगी, शरीर भी बर्बाद करेगी, लिवर सिरोसिस करेगी, जिसका कि बहुत ही सीमित इलाज आपके सामने रह जाएगा। तो आप दारू ना पिए, अल्कोहल का इंटेक ना करें, लेकिन अगर किसी ने करा है और वो कंफ्यूज है तो वह एलियम सीपा लेके अपने कंफ्यूजन को दूर यानी मन की उलझन को दूर कर सकता है। एक स्थिति आती है साथियों कि आपने इतना दिमागी काम करा कि आप थक गए और फिर आपको कंफ्यूजन हो गया। जैसे आजकल का प्राइवेट नौकरी है, सुबह से आदमी नौकरी करने 9 बजे निकला, 3-4 बजे तक उसने बहुत मेहनत करी लेकिन उसके बाद दिमाग उसका थक गया। फिर उसने जब 3 बजे अपना लंच लिया, 2 बजे 3 बजे बैंक में 3:30 बजे उसने लंच लिया, हालांकि सरकारी बैंक के लोग तो बहुत ज़्यादा काम एफिशिएंट मेरे हिसाब से नहीं करते हैं लेकिन प्राइवेट बैंक के लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो वो 3:30 बजे जब अपना ब्रेक लिया तो उनका दिमाग थक गया, और जब वह दिमाग उनका थक गया तो वह परेशान होने लगे और कंफ्यूज होने लगे। जो दूसरी पाली है अपने वर्क की, वह ठीक से नहीं कर पाए। तो अगर यह स्थिति हो कि जब आपका ओवर एग्जर्शन
मेंटल ओवर एग्जर्शन हो जाए, नॉट फिजिकल, मेंटल ओवर एग्जर्शन हो जाए, उसके बाद आपका कन्फ्यूजन यानी ब्रेन फैग हो यानी मन में उलझन आपके होने लगे, तो नक्स वोमिका आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। नक्स वोमिका 30 दो बूंद दिन में 3 बार यदि आप लेंगे तो आपका यह मेंटल ओवर एग्जर्शन के बाद जो कन्फ्यूजन शुरू हुआ वह खत्म हो जाएगा और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके मन में इतनी ज़्यादा उलझन हो, कन्फ्यूजन हो कि आपको हर कोई अनजान लग रहा हो, हर कोई स्ट्रेंजर लग रहा हो, आपके परिवार के लोग आपको स्ट्रेंजर लग रहे हो, आपका आपको घर अपना जो है वह स्ट्रेंजर लग रहा हो, बाहरी लग रहा हो, तो उस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सिस्कुटाविरोसा। सिस्कुटाविर 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसके मन में इतनी उलझन हो कि वह अपने लोगों को बाहरी मान रहा हो, अनजान मान रहा हो, अपने घर को अनजान मान रहा हो, रास्तों को अनजान मान रहा हो, एक उसके कहीं ना कहीं एक दिमाग में बैठा हो कि एक अनजान वाला एटीट्यूड हो, तो यह स्थिति हो तो आपको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा सिस्कुटाविर है। इसको 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार लेकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिस्कुटाविरोसा साथियों इपिलिप्सी की भी बहुत अच्छी दवा है, यानी किसी को इपिलिप्सी हो तो वहाँ भी यह दवा ले सकता है अपने मन की उलझन को दूर करने के लिए। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जर्शन पड़ा और आपने होश खो बैठे, अपने सेंसेस में ही नहीं रहे, तो अगर वह स्थिति हो कि आपको बहुत ज़्यादा थकान आ गई हो और उसके बाद आप अपने सेंसेस में ना रहें और आपके मन में बहुत उलझन और कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कालीब्रोमेटम। आप कालीब्रोमेटम 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपको इस दवा से आराम मिलेगा, आपके मन की उलझन दूर होगी, कन्फ्यूजन दूर होगा, ब्रेन फैग दूर होगा और आप मेंटली अपने को बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि मन में इतना कन्फ्यूजन है कि हम सही शब्द नहीं बोल पाते, जैसे बोलना कुछ चाह रहे और निकल कुछ गया और फिर हम उस शब्द से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर यह कंडीशन हो कि आपके मन में इतना कन्फ्यूजन हो कि आप सही वर्ड्स स्पेल ना कर पा रहे हो, तो उस उलझन को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है डलका मारा। आप डलका मारा 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मन के कन्फ्यूजन को दूर करेगी, आपको जो है जो आप वर्ड्स को नहीं बोल पाते, स्पेल कर पाते, गलत वर्ड बोल देते हैं, उसको ठीक करेगी और आपको स्वस्थ बनाएगी। एक साथियों किसी में स्थिति आ सकती कि आपके मन में कन्फ्यूजन हुआ और आप रात में उठ के चलने लगे, रात में आपसे आराम 1-2 बजे आपको लगा साहब अब हम टहलने जाएंगे, दिमाग बहुत कन्फ्यूज है, बहुत उलझन में है, तो अगर यह स्थिति आप में होती है कि रात में आपका 11-12 बजे आपको टहलने की इच्छा होती है और आपका मन बहुत उलझन में रहता है, तो उस उलझन के मन को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके मन का उलझन भी ख़त्म होगी, कन्फ्यूजन भी दूर होगा, रात को जो ये टहलने की आदत है आपकी ये भी ख़त्म होगी और आप बहुत रिफ्रेशिंग स्लीप ले पाएंगे। एक स्थिति आती है साथियों कन्फ्यूजन की कि आप एक सवाल पे स्थिर नहीं रह पाते, आपने किसी से एक सवाल करा उसका जवाब नहीं सुना, फिर उससे दूसरा सवाल करा फिर उसका जवाब नहीं सुना, उससे तीसरा सवाल कर लिया, तो यह जो टॉपिक का स्विच ओवर होता है यह आपके मन में उलझन में रहता है और आप कन्फ्यूज रहते हैं, तो अगर यह स्थिति किसी में है कि आप में एक मन में उलझन है और आप कन्फ्यूज रहते हैं और अपने सब्जेक्ट्स को स्विच ओवर करते रहते हैं, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एम्ब्राग्रेसिया। आप एम्ब्राग्रेसिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मन के कन्फ्यूजन को भी दूर करेगी और आप ये जो स्विच ओवर करते हैं टॉपिक्स का इसको ख़त्म करके आपके मन के उलझन को दूर करके आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जर्शन करते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, इस तरह के लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेंटल एग्जर्शन करते हैं, उसके बाद ये इतना थक जाते हैं कि इनको इनडिफरेंस हो जाता है, यानी फिर किसी से बात करना नहीं पसंद करते और मन उलझन में बना रहता है, कन्फ्यूजन में बना रहता है, तो अगर यह स्थिति किसी में है साथियों कि उनको बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जर्शन है और उसके बाद उनका दिमाग बिल्कुल थक चुका है और वो बिल्कुल भी दिमाग को अब चलाना बर्दाश्त नहीं कर सकते और मन में उलझन यानी कन्फ्यूजन रहता है, अगर ऐसी स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में और दवा का नाम है एसिड पिक्रेटम।
एसिड यानी एसिड पिक्रेटम आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपका दिमाग मेंटल एग्जर्शन से बहुत थक गया हो, आपको कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो और ज़रा सा भी दिमागी काम आपको बहुत थका रहा हो और आपके मन में उलझन और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा हो, तो एसिड पिक आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। आप एसिड पिक 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार लेके अपने को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक साथियों बड़ी पिक्यूलियर स्थिति आती है कन्फ्यूजन यानी मन की उलझन में कि आपको सोचने में उलझन हो रही है। जब आप कुछ थिंक करते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर वह स्थिति है साथियों कि आप कुछ भी सोचते हैं और आप मन आपके उलझन में आ जाती है कन्फ्यूजन में आ जाती है, तो उसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जो सोचने में भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। एक्शन में कन्फ्यूज होना एक बात है साहब, हमें वो काम करना है वो नहीं कर पाए, लेकिन सोचने में भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। कैल्केरिया कार का पेशेंट आमतौर पे थोड़ा गोरा होता है, मोटा होता है, थुलथुल होता है। लेडीज़ खास तौर से कैल्केरिया कार की पेशेंट होती हैं और इस दवा का मरीज जब रात में लेटता है तो पूरा पसीने से तकिया तक भीग जाता है, सर से, केवल सर से उसके इतना पसीना आता है। तो अगर यह सब सिम्टम्स आप में हैं, कैल्केरिया कार के मरीज को सर्दी भी बहुत लगती है, अगर यह सब सिम्टम्स आप में हैं तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस कैल्केरिया कार में। यह दवा आपके मन के उलझन को दूर करेगी और आपको स्वस्थ बनाएगी। एक साथियों मन में उलझन यानी कन्फ्यूजन की स्थिति आती है कि जब आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा कि आपको अपने घर का रास्ता तक मालूम नहीं पड़ रहा है, आप घर के रास्ते से थोड़ा आगे निकले जा रहे हो फिर पीछे आ रहे हो। ये स्थिति भी हो सकती है किसी के साथ। अगर ऐसी स्थिति आप में है कि आपको घर का रास्ता भी अपना ठीक से नहीं मालूम पड़ रहा है और आपको एक मन में डिलीरियम हो रहा है, एक एहसास हो रहा है कि आप एक नहीं दो हैं, दो शरीर चल रहे हैं, दो शरीर लेट रहे हैं, दो शरीर खा रहे हैं, इतना ज़्यादा आपके मन में उलझन है और कन्फ्यूजन है, अगर आपको यह स्थिति हो साथियों तो इसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है पेट्रोलियम। आप पेट्रोलियम 1 mg की तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर ले सकते हैं। यह दवा आपकी वो स्थिति कि आप अपने घर का रास्ता भूल जाए, आपको लगे आप एक नहीं दो हैं, आपको किसी से बात करने का एहसास ना हो, मन आपका भारी उलझन में हो, यह दवा आपको सुलझन यानी कन्फ्यूजन से निकालेगी और आपको स्वस्थ करेगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, दिमाग में उलझन हो और आपको चक्कर आता हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपके मन में बहुत ज़्यादा उलझन हो, कन्फ्यूजन हो और आपको चक्कर आता हो, तो उसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैनबिस सटाइवस। कैनबिस सटाइवस 30 दो दो बूंद आप दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मन की उलझन को दूर करेगी, मन के कन्फ्यूजन को दूर करेगी और आपको स्वस्थ बनाएगी और आपके आने वाले चक्कर को, वर्टाइगो को रोकेगी। एक स्थिति आती है साथियों कन्फ्यूजन में कि आपको इतना कन्फ्यूजन हो जो स्टूपिडिटी की हद तक हो जाए, एक पागलपन की हद तक मन में उलझन हो जाए। पागलपन कैसा? पागलपन ऐसा कि साहब आपको लगा कि शायद जो है वो हमारे हस्बैंड हमको पागलखाने भेज देंगे। आपको लगा कि घर आपका पास में है लेकिन आप घर के आगे निकल गए। आपको लगा कि आपने एक बिजनेस को, काम को शुरू करा, आप उसे अच्छे से करेंगे लेकिन वो काम दो दिन में छोड़ के दूसरा काम करने लगे। तो यह जो स्टूपिडिटी है, पागलपन है और इससे आपके मन में उलझन और कन्फ्यूजन है, इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सेंटोरिया टगाना। थोड़ी रेयर दवा है लेकिन बहुत कारगर दवा है। सेंटोरिया टगाना आपके मन की स्टूपिडिटी को ख़त्म करके आपको इतना वाइज और मन की उलझन को दूर करके इतना समझदार बना देगी कि आप इस तरह की वेग हरकतें छोड़ देंगे और एक अपने सेंस में काम करने लगेंगे। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कतें हों तो आप सेंटोरिया टगाना दवा को एक बार कोशिश कर सकते हैं लेके, यह दवा आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करेगी। एक साथियों मन में उलझन की स्थिति कुछ मरीजों में आती है, हमारे क्लिनिक आते हैं, हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों तक को लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको कभी कभी पहचानने में भी उनको दिक्कत हो जाती है। तो अगर इस तरह की मन में उलझन और कंफ्यूजन हो तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिटिक एसिडम।
एसिटिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपकी दिमागी कमजोरी को दूर करेगी। दिमागी कमजोरी को दूर करके आपके मन के उलझन और कंफ्यूजन को ठीक करेगी और आपको स्वस्थ करेगी। एक साथियों, मन में उलझन की स्थिति होती है कि आपका माइंड बिल्कुल ही वेग हो जाए। वेग मतलब पता नहीं कब सीटी बजाने लगे, पता नहीं कब घूमने निकल जाए और फिर थोड़ी दूर तक जाए, फिर वापस घर आ जाए। मन में इतनी उलझन यानी कन्फ्यूजन रहे। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आप अनप्रडिक्टेबल हो जाए अपने कन्फ्यूजन से, या कोई मरीज ऐसा हो आपके घर में जो अनप्रडिक्टेबल हो जाए अपने मन की उलझन से, तो अगर ये अनप्रडिक्टेबलनेस हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एगारिकस मस्कैरिस। आप एगारिकस मस्कैरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस माइंड में वेग कन्फ्यूजन यानी उलझन, यानी कि एक बेकार की उलझन जो आपके मन में है, उसको ख़त्म करके आपको स्वस्थ बनाएगी और आपको समाज के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कन्फ्यूजन यानी मन की उलझन में कि आपका दिमाग बहुत सुस्त हो गया, आप जीवन में कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, माइंड फीबल हो गया। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपका माइंड बहुत बोझिल हो रहा हो, फीबल हो रहा हो, डल हो रहा हो, आप कुछ सोचना ही ना चाहते हो, कन्फ्यूजन तो होगा बाद में, आप कुछ सोचना ही नहीं चाहते, अगर आपके मन में इतनी उलझन हो तो उसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। और दवा का नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। आप एनाकार्डियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मन की उलझन को दूर करेगी और जो आपका एक फीबल माइंड हो गया है उसको ख़त्म करके आपको बेहतर स्थिति में लाएगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके मन की उलझन को दूर करने की, मन के कन्फ्यूजन को दूर करने की। और जो 2 मिनट के काम की सोच के लिए आप 200 मिनट लगाते उस समस्या को ख़त्म करने की। एक मैं साथियों आपको और राय दूंगा, अगर आपके मन में उलझन या कन्फ्यूजन दूर ज़्यादा रहती है तो आप मेडिटेशन यानी योग की तरफ बढ़ें। जब आप मेडिटेशन योग और अपने जिसको भी आप मानते हैं अपना पूजा पाठ में इबादत में उसकी इबादत करते हैं तो आप एक मेडिटेटिव माइंड में आ जाते हैं, और जब आप मेडिटेटिव माइंड में आ जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं रहता। आप फैसला सही लेते हैं, जल्दी लेते हैं, त्वरित लेते हैं। तो अगर आपको वास्तव में अपने मन के कन्फ्यूजन और उलझन को दूर करना है तो ये आप दवाएं कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप एक दिमाग में मेडिटेशन की स्टेट में आए, यानी अपने को ऊपर वाले से जोड़ें, बहुत ज़्यादा सोचे ना, तो बीच का सब कुछ माइनस हो जाएगा और आप अपने को बहुत कंफर्टेबल क्लियर माइंड में मजबूत करेंगे जिससे आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे। बहरहाल ये दवाओं की जहाँ तक बात है साथियों, कोई भी दवा आप कुशल चिकित्सक से पूछ के प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ सिम्टम और दवाएं भिन्न हो सकती हैं। अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप नीचे नोटिफिकेशन पैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में आप अपनी क्वेरी को लिख कर हमें दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाए। यदि साथियों आपको अपने मन की उलझन कन्फ्यूजन का जवाब इस वीडियो में मिला हो, या आपको लगता हो कि दूसरों को इस वीडियो से जवाब मिल जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा आपने, और साथियों को प्रेरित करें सब्सक्राइब करने को, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहें। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।